हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। ये इंपॉर्टेंट अपडेट तो आप लोगों को मिल ही गया होगा दैट सीए इंटर और सीए फाइनल मई 2024 के रिजल्ट्स 11th ऑफ जुलाई 2024 पर अनाउंस होने वाले हैं और आईसीएआई ने आज इशू कर दिया है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अबाउट द सेम। First of all, I wish all the students whose result is due on 11th of July a very best of luck. Beta result बहुत amazing आएगा. Stay positive. दूसरी बात, एक बहुत important message आप सभी बच्चों को देना चाहूंगा. ये एक ऐसा phase होता है हर एक CA student के लिए जब बहुत ज्यादा anxiety, nervousness आपको इस time पर feel होना बहुत common है. हर एक बच्चा जिसका result आने वाला होगा वो ये nervousness feel कर रहा होगा. अब इस नर्वसनेस, इस एंजाइटी में अगले 4 से 5 दिन वेस्ट करने की बजाय आप इनको सही डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और ये वीडियो मैं उसी बारे में आप लोगों के लिए बना रहा हूं। बेशक वीडियो को 2x पर शिफ्ट कर देना लेकिन मेरे मैसेज को पूरा सुनना। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और अपने एक्सपीरियंसेस से मैं ये सभी स्ट्रेटेजी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन टोटल इस टाइम पर 7 डेज का टाइम है जो हम अपने पास इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीए इंटर के स्टूडेंट्स जो अभी अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं मई 2024 में, जिन्होंने अपने एग्जाम्स लिखे थे, देखिए बच्चों, हम लोगों को बहुत क्लियर होता है जब हम अपने एग्जाम्स लिख रहे होते हैं कि पेपर कैसा गया है। अगर हमने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, 90 का किया है, 80 का किया है, हमें पता होता है। एवरी स्टूडेंट नोज डीप डाउन की पेपर्स कैसे गए हैं। अब उसी प्रोबेबिलिटी पर हम अगले 7 दिन को अपने पास बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सीए इंटर का एग्जाम 11th ऑफ जुलाई, एग्जाम रिजल्ट 11th ऑफ जुलाई पे आने वाला है एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आपको लगता है पेपर्स बहुत अमेजिंग गए थे और यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम, देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, तो सर जी यहां पर आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपका बहुत समय बाद वाले टाइम पीरियड में बचाएंगे। वो क्या है, 2 से 3 फैकल्टीज को अपने हर एक सीए फाइनल के सब्जेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। जी हाँ मेरे बच्चों, आप लोग सही सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा सर अभी तो एंजाइटी बहुत ज्यादा है, बेटा यही सही समय है, रिजल्ट की डेट सामने है, पास करने की प्रोबेबिलिटी है, तो अभी से अपने सीनियर से बात करना शुरू कर दो, जो फैकल्टीज हैं उनके रिव्यूज देखना चालू कर दो और सिलेक्शन से पहले उनके डेमो क्लासेस जरूर देखिएगा। ये काम आप कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, बाद में ये टाइम आपका सेव होगा एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दैट कि सर बाद में जब हमको थोड़ा सा ही टाइम पीरियड था, आर्टिकलशिप के लिए भी अप्लाई करना था, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी थी, हमारी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करनी थी, तो उसमें कम से कम हमारे पास हमारा एक एक्सेल फाइल या एक वर्ड फाइल या एक नॉर्मल नोटबुक पर लिख लो कौन सी 2 से 3 फैकल्टी हैं जिनसे आप अपनी सीए फाइनल की कोचिंग लेना एक्सपेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने सीनियर से बात करिए, उनके रिव्यूज देखिए, उनके डेमो क्लासेस की अरेंजमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं आप उनके इंस्टीट्यूट्स में। दूसरा आप अच्छा काम क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप पास करने वाले हैं, जिन सीए फर्म्स को आप हमेशा से एम करते थे, मान लीजिए वो बिग 4 हो या बिग 20 हो, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, उनकी वैकेंसीज के बारे में देखना शुरू कर दीजिए, अभी से ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज लीजिए। वहां पर अगर कोई एचआर को जानते हो, वहां पर किसी भैया दीदी या कोई सीनियर को आप जानते हो जो वहां पर काम कर रहा है, उनसे अभी से कॉन्टैक्ट करिए। रिजल्ट आने के बाद तो सारे स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर रहे होंगे, अभी से उनके साथ टच में जाइए कि इफ देर इज अ वैकेंसी तो मेरा रिजल्ट आने वाला है एंड देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू पास, तो मैं अभी से ही अपने पास वहां पर वैकेंसी कैसे अप्लाई करना है, वहां पर क्या प्रोसीजर है, कौन सी पोस्ट ओपन है, उनके बारे में रिसर्च कर अपने नोटबुक में एक जगह लिख लीजिए। तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर सीए फर्म्स एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दो सीए फर्म्स। लिंक्डइन पर जाकर आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज देखिए और सबसे जरूरी बात, अपने सीनियर्स से इसके बारे में एक बार बात जरूर कीजिए। ये दो अच्छे काम आप कर अपनी एंजाइटीज को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए वो खत्म तो नहीं होंगी लेकिन इग्नोर आप जरूर कर पाएंगे अपने एंजाइटी और अपनी नर्वसनेस को। जब आप इन चीज में इंडल्ज रहेंगे, आपको पता है आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बहुत बेस्ट चीज आपके लिए निकल कर आएगी, बाद में आपका समय बचेगा। पास होने के बाद वो जो भीड़ एकदम से हो जाती है कि सर हर जगह एप्लीकेशंस जा रही हैं, सब जगह कॉल्स जा रहे हैं, जब वो शायद ऐसा हो सकता है कि वहां का एचआर आपको उतना एंटरटेन भी ना करे, यू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन सर्चिंग फॉर योर सीए फर्म्स और स्टार्ट सर्चिंग कि आपने कौन सी फैकल्टी से सीए फाइनल में कोचिंग लेनी है।
अब दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आता है बेटा, जहां पर हम बोलते हैं देर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग और देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग। सर मेरे एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए थे, मुझे पता है कि मेरा ये वाला अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, मुझे सितंबर में पेपर देने ही देने हैं। सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ गए हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट आपके टाइमलाइंस को लेकर है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, यहां पर आप एनालिसिस करिए इन 7 दिनों में। सर अभी बहुत टाइम से हमारे एग्जाम हो चुके थे, अब जैसा भी आपका माइंडसेट था पॉजिटिव नेगेटिव, अब उन चीजों को छोड़ दीजिए। एनालिसिस करिए स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के बीच में, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनकी रिवीजन स्ट्रेटजीज अभी से अपने पास लिस्ट डाउन करना शुरू कर दीजिए। सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ ऐसा करना है कि कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा बेटा, हमको पता है अगर हमारा पेपर हम 40 नंबर या 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि सर उस पेपर के अंदर हमको शायद रीअपियर करना पड़े। तो कोई इसके अंदर बुराई नहीं है, कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को जानने में एक पॉजिटिव ही चीज होती है, कोई नेगेटिव चीज नहीं होती। और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लुक फॉर सम फास्ट ट्रैक बैचेस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग की अगर बात करें तो मैंने खुद अपने पास इंक्लूडिंग योर आईसीआई मॉड्यूल पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी को क्लास में सॉल्व करवाते हुए 200 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली में पूरा सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोर्स फिनिश करवाया है अपने बच्चों को। तो अगर आप लोग अपने पास फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए देखना चाहते हैं तो सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर कोई वीक सब्जेक्ट है, गो फॉर सम फास्ट ट्रैक बैच। यू ऑलरेडी नो द प्रीमाइस ऑफ द कोर्स, आपको अपने पास फास्ट ट्रैक इस टाइम पर रेलेवेंट रहेगा जो आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए है। एंड दूसरी बात, अपने पास मेरे बच्चों जरूर डिसाइड करिए आप सिंगल ग्रुप जाना चाहते हैं या बोथ ग्रुप जाना चाहते हैं। सर जी इस अटेम्प्ट में हमने बोथ ग्रुप दिया था, अगर हमको लगता है वो प्रेशर हम नहीं बियर कर पा रहे, एक ग्रुप अगली बार अपने पेपर में दे दो और एक एक कर ग्रुप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। कोई ऐसे आपको वो ये नहीं समझेगा कि यार आपने तो अपने पास कम पेपर दिए एक बारी में, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट कम अंडर पीयर प्रेशर की बोथ ग्रुप ही देने हैं, एक टाइम पर एक सिंगल ग्रुप देकर उसको आराम से निकाल लेने में कोई बुराई नहीं होती है। सीए इंटर लेवल पर मैंने भी सिंगल सिंगल ग्रुप कर ही दोनों को क्लियर किया था और आर्टिकलशिप आपको अच्छी जगह पर मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर कैलिबर, योर नॉलेज। तो सर इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, उसके बारे में परवाह मत कीजिए। अभी सिर्फ ये सोचिए कि आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप किसके लिए जाना चाहते हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये जो 7 डेज आपके रिजल्ट में आने में बचे हैं इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अपने पास एंजाइटी और नर्वसनेस में इन टाइम को मत खत्म कीजिए। आई नो सर बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है, आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, दैट्स वाई आई कैन टेल यू। अपने पास नेक्स्ट फेज का प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जो बच्चे प्री प्लान करते हैं, जो लीडर्स प्री प्लान कर चलते हैं, दे ऑलवेज गेट श्योर शॉर्ट सक्सेस। उनके लिए सर और कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ सक्सेस है। तो अभी से प्लानिंग करिए, अभी से आर्टिकलशिप फर्म्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, कौन सी फैकल्टीज से सीए फाइनल में लेना है कोचिंग उनको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, डेमो लेक्चर्स बाद में देख लीजिएगा। बात समझ में आती है? आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। एंड डू सब्सक्राइब टू आई विजन चैनल फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू योर सीए कोर्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।